कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते ही विपक्षी पार्टियां लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ रही हैं। इसी के चलते केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र के ऊपर बदनुमा कीड़े के समान है। जरा आप भी सुनिए उनके इस बयान को। राहुल गांधी के बयान को और कृत्य को, दोनों को बचकाना माना जा सकता है, और आज तो देश के साथ बचकानापन कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के सैनिकों के उस सम्मान को खत्म कर रहे हैं जो उन्होंने एयर स्ट्राइक पर और सर्जिकल स्ट्राइक कर करके किया, उस पर भी आपत्ति उठा रहे हैं। हमारे एयर स्ट्राइक करने वाले जाएंगे तो क्या वहाँ से लाश के टुकड़े लेकर के आएंगे? वो तो लाश का सबूत मांगते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र के लिए एक घिनौने बदनुमे कीड़े के समान है। दरअसल राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोलते हुए यह बड़ा बयान दे डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि बचपना करना और कहना दोनों में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए काम किया है और हर मामले में नरेंद्र मोदी अव्वल रहे हैं। प्राथमिकता है और कांग्रेस की आतंकवाद की प्राथमिकता है। उनकी चर्चा पाकिस्तान में होती है कि ये हमारे सूचनतक हैं, हमारी चर्चा पाकिस्तान में डर और दहशत के नाते होती है। इन दोनों में फर्क है। वो इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, उस पर सवाल उठाते हैं, हमारे जवानों को बदनाम करते हैं और उन लोगों को छोड़ करके पूरी दुनिया भारत के इस किए गए एक्ट की सराहना करती है कि भारत आतंकवाद अपने यहाँ से ख़त्म कर रहा है। चुनाव की सरगर्मियों को देखते हुए लगातार सत्ताधारी पार्टियां और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। बक्सर से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।